ये देख सकते हैं यहाँ पे टाइल्स वगैरह लगाई जा रही है। अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है, ये देखिए। चलने में असमर्थ व्यक्ति के लिए ट्रस्ट कार्यालय में व्हीलचेयर की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध है। यदि व्हीलचेयर चलाने के लिए आप कोई व्यक्ति लेना चाहते हैं तो उस व्यक्ति का शुल्क आपको वहन करना पड़ेगा। डिवोटीज अनेबल टू वॉक कैन टेक फ्री व्हीलचेयर फ्रॉम ट्रस्ट ऑफिस इफ दे टेक राइडर फॉर सभी रूम। निःशुल्क लॉकर सेवा भी दिया गया है, यहीं पे सारी चीज़ें आप अगर मोबाइल लेकर के आते हैं या फिर किसी भी तरीके का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट वगैरह लेकर के आते हैं तो यहीं पे आप जमा कर देंगे फ्री में, कोई पैसे चार्जेस नहीं लगेंगे यहाँ पे। ये देखिए टाइल्स वगैरह रखी गई हैं। कितनी दूरी में लगेगा ये दादा, कितनी दूरी में लगेगा? 500 मीटर तक। हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आज हम चलने वाले अयोध्या, लखनऊ से अयोध्या 125 किलोमीटर की है और ये आप देख सकते हैं हम बीबीडी यूनिवर्सिटी के पास में पहुंच गए। ये फैजाबाद रोड है, यहाँ से निकलते हैं और NH 27 की ओर से निकल करके रामपथ होते हुए श्री राम जन्मभूमि तक जाएंगे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल और आज आप सभी को लेकर चल रहे हैं अयोध्या। जी हाँ दोस्तों, अभी इस वक्त हम अयोध्या में हैं लखनऊ से निकल करके और आपको दिखाएंगे कंस्ट्रक्शन का काम जो कि अयोध्या रामपथ काम चल रहा है। अयोध्या रामपथ का ये देखिए, ये देख सकते हैं इस साइड में रोड चौड़ीकरण की जा रही है, उस साइड में रोड बढ़ाया गया और इस साइड में भी बढ़ाया गया। और ये देखिए, ये सीवर का काम जो कि कंप्लीट हो गया है, थोड़ा बहुत काम बचा हुआ है, कहीं कहीं पे ऊपर से ढका अभी ढकना बाकी है। ये देखिए, और ये NH 27 है, भौदीय पब्लिक स्कूल है ये। ये देखिए, ये वाली भौदीय पब्लिक स्कूल और यहीं से आपको आगे लेके चलेंगे और यही रोड हनुमानगढ़ी भी जाएगी। तो चलिए चलते हैं और आपको आगे क्या अपडेट देते हैं, चलिए निकलते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अभी हमने अपना कैमरा फिक्स कर दिया है और अब आपको यहाँ से प्रॉपर व्यू दिखेगा। ये जैसा कि देख सकते हैं रामपथ का काम कुछ इस प्रकार हो रहा है, साइड साइड में वाइडनिंग का काम देख सकते हैं, खुदाई की गई जेसीबी से दोनों साइड में देख सकते हैं। और आप इस साइड देखिए, राइट साइड में यहाँ पे सीवर का काम हो रहा है, यहाँ पे सरिया लगाया गया और स्ट्रक्चर का भी काम हो रहा है, ढाले जा रहे हैं सीवर। और लेफ्ट साइड में देख सकते हैं बोरी से इसको बैरिकेड किया गया है। तो भाई देख सकते हैं कि इधर में कुछ ज़्यादा ही तोड़फोड़ हुई है रामपथ पे। और ये देखिए साइड साइड में हम हनुमानगढ़ी पहुंचने से पहले यहाँ पे बंदरों को देख पा रहे हैं, निरीक्षण, ये वानर सेना है। और ये देखिए यहाँ पे जेसीबी खड़ी है और ये सामने देख सकते हैं ये पैनल्स रखे गए हैं, ये सभी पैनल्स रोड के साइड में दिए जाएंगे। और ये देखिए यहाँ पे साइन सावधान का बोर्ड लगा हुआ है, उत्तर प्रदेश सेतु निगम लिमिटेड। और ये देखिए फ्लाईओवर का काम हो रहा है, ये यहाँ से फ्लाईओवर आपका शुरू होता है। ये देखिए यहाँ पे फ्लायर्स वगैरह बिछाई गई है, अभी का फिलहाल का अपडेट है, फ्लायर्स बिछाए गए और साइड साइड में आप ज़मीनी स्तर पर देख सकते हैं अभी पैनल्स लगे हैं, सिंगल सिंगल पैनल्स लगे हैं अभी। तो ये देखिए ये जेसीबी चल रही है और धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे पैनल्स भी और ज़्यादा दिखेंगे। यहाँ पे देखिए दो पैनल्स लगे हैं और थोड़ी और आगे जाएंगे तो 3-4 पैनल्स आपको दिखेंगे। और ये उससे आगे आपको लेके चलते हैं, ये ब्रिज है, ब्रिज के लेवल में लिया जाएगा। और आगे में एक रेलवे ट्रैक मिलेगा, इसी की वजह से अभी यहाँ पे काम यहाँ रुका हुआ है। और ये देखिए ब्रिज तैयार हो चुका है। ऐसे जाएंगे, आगे रास्ता बंद हो गया है, बीच रास्ते सिर्फ चौड़ीकरण हो रहा है, सभी लोग मिला के 200 रुपये दीजिएगा, दर्शन करा देंगे। सुनो सुनो,
चौड़ीकरण कहाँ तक हो रही है? बाबू जी टेढ़ी बाजार से फैजाबाद से लेके नया घाट से हो रही है। यहाँ सब रास्ता बंद कर दिया, हम लोग पीछे वाली गाड़ी से ले चलेंगे राम जन्मभूमि हनुमानगढ़ी राम दरबार कारशाला सीता रसोई। अभी आगे क्या काम हो रहा है आपके यही चौड़ीकरण में सर? जो दुकानें टूट रही है और जो बीच में गड्ढा हो रहा है, सिग्नलिंग पड़ रहा है, सब चीज पड़ रहा है। ये रेलवे ट्रैक जो है वहाँ पे काम हुआ है कि नहीं? हाँ आगे हो रहा है, जो स्टेशन बन गया है स्टेशन की तरफ से ले चलेंगे। अच्छा यही 200 दीजिएगा सो घुमाने के बाद। अच्छा जब राम मंदिर गाड़ी पार्किंग लगा दीजिए तब दीजिएगा। चलो चलो ठीक है। और ये देखिए आगे में ये रेलवे ट्रैक दिखेगा, ये देखिए यहाँ तक ये ब्रिज बन गया और ये देखिए यहाँ तक काम हो गया है, पियर का काम हो चुका है, गटर भी लॉन्च हो चुके हैं इस साइड में। और ये देखिए और ये देखिए आगे में ये रेलवे ट्रैक जैसे क्रॉस करते हैं उसके आगे में ये फ्लाईओवर अगला हिस्सा है और इसी से कनेक्ट किया जाएगा। आगे से मुड़ना, आगे जाएंगे फंस जाएंगे, बहुत आगे चौड़ीकरण हो रही है, आप लोग उधर खड़ा हुआ है, आप ही को दिक्कत होगा मुड़ने उड़ने में। आगे हो आगे वहीं खड़े रहो। और ये देखिए यहीं से ही कनेक्ट किया जाएगा, यहाँ पर भी सावधान का बोर्ड लगा हुआ है, सावधान राज्य सेतु निगम लिमिटेड कार्य प्रगति पर है। और जिनको भी जाना है वो यहाँ से भैया राइट साइड जाइए, यहाँ से जा सकते हैं, ये गेट है आगे में क्योंकि काम अभी बंद है। ये देखिए यहाँ पे सीमेंट मोरंग गिट्टी सभी कुछ रखा हुआ है और यहाँ पे भी देख सकते हैं इस पोर्शन में अभी काम और बचा हुआ है फ्लाईओवर का। इस साइड में सेम पैनल्स लगाए गए हैं और फ्लाइस वगैरह लगा करके यहाँ पे बेल्ट वगैरह लगाई जा रही है। देखिए भाई रोड का बहुत हालत ख़राब है और इस साइड में सीवर बन रहा है लगे तरफ, और ये साइड में देख सकते हैं ये सीवर का काम चल रहा है। आप सभी को अयोध्या से लाइव रिपोर्ट दे रहे हैं। ये बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर भी चौड़ीकरण का काम हो रहा है और जो भी यहाँ पे आना चाहते हैं भाई सोच समझ के आइए क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है, स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है, हद से ज़्यादा ख़राब है। ये देखिए लेफ्ट साइड में भी खुदाई हुई है। ये जैसा कि आप देख सकते हैं ये वाला तैयार हो गया है, ये देखिए ये पथवे जो है तैयार हो चुका है और वो लेफ्ट साइड वाला पथवे तैयार हो रहा है। ये 500 मीटर तक काम चल रहा है, 500 मीटर तक टाइल्स दिए जाएंगे। और ये देखिए ये पाथवे जो है ये राम जी के जो नया मंदिर बन रहा है वहाँ तक ये जा रहा है, लगभग 500 मीटर से भी ज़्यादा ये पाथवे बन रहा है लंबी। इस साइड की बन चुकी है, राइट साइड की लेफ्ट साइड की बन रही है। ये देखिए नकाशे देखिए आप कितने बढ़िया तरीके से किया गया। जय श्री राम, जय श्री राम। और ये देखिए ये लाइटिंग, बिजली के खंभे जो दिए गए देख सकते हैं कितना बढ़िया दिख रहा है। नया लगाया गया है देख सकते हैं, पहले वाला जो था वो हट गया और इसे नया लगाया गया। बेवकूफ बना रहे हैं यहाँ के लोग, कह रहे हैं 200 रुपए दो 500 रुपए दो चार मंदिर घुमाएंगे। आपका क्या कहना है, आप पैसे देके घूमते हैं या नहीं घूमते हैं कमेंट बताइए। हम तो पैसे दे के घूमे, हम इतने समझदार है कि खुद देख देख के घूम सकते हैं, हर जगह इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है
आपको दिखाई नहीं दे रहा है। और रामगढ़ी बस बस रामगढ़ी बस। और ये हमारे अविनाश भैया और टोनू भैया और पीछे हैं, ये देखिए इनके पास भी एक गोप्रो है। ये देखिए हमारे पास दो दो गोप्रो हैं और हमारे साथ एक और भैया हैं, ये भी हमारे यूट्यूबर भाई, ये भी यूट्यूबर हैं। यहाँ पर तीन तीन लोग यूट्यूबर हैं, आए हैं प्रभु श्री राम जी का दर्शन करने। और ये देखिए यहाँ पे सीवर के काम चल रहे हैं, जहाँ पे राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है उसी साइड का ये कुछ अपडेट्स है। ये देखिए सीवर का काम हो रहा है। इस साइड में भी सीवर का काम हो गया, ये देखिए बीच बीच में अभी काम बचे हुए हैं, पाइपें रखी गई हैं, सरिये रखा गया है यहाँ पे। और ये देखो भाई ये चेक करो, और ये देखिए ये अमावा राम मंदिर। और यहाँ से हम राम जी की जन्मभूमि जहाँ पे राम मंदिर है यहाँ से एंटर लेते हैं। और ये देखिए ऊपर से बारिश की वजह से ढका गया ऊपर से। और अब आपको अंदर लेके चलते हैं, देखते हैं कोशिश करते हैं कि जो नया राम जी का मंदिर कंस्ट्रक्शन हो रहा है वहाँ तक हम पहुँच पाते हैं, नहीं पहुँच पाते विद कैमरा, तो बने रहिए। चलो यही कहीं जमा कर दो, फ्री लोग जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट है सब जमा कर रहे हैं, और जमा करने के बाद अंदर जाएंगे। दोस्तों आए हैं आप सभी को, ये देखिए हनुमानगढ़ी वाले रोड पे, और इस रोड पे देख सकते हैं रोड को जो है वाइडिंग की काम चल रही है। और वाइडिंग करते समय ये जो घर हैं इनको पीछे शिफ्ट कर किया जा रहा था, तो इसीलिए इस घर को तोड़ा गया और शिफ्ट किया गया। ये देख सकते हैं सीवर है, ये सारे जो है गड्ढे दिख रहे हैं, ये सीवर है। क्यों भैया जी? भाई आई भाई आ रहे आ रहे। और ये देख सकते हैं, इस साइड में देख सकते हैं कुछ इस तरीके से गतिविधियां हैं। और ये देखिए सीवर ढलाई का काम इस साइड में हो रहा है। जय श्री राम। ये देखो भाई ये पूरा घर जो है ये तोड़ दिया गया है, पूरी पूरी घर टूट गई है। ये देखिए ये है एक्चुअल में बुलडोजर का काम। इस साइड का भी यही नजारा है। और हम पहुंच गए हैं दशरथ चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी का राजमहल। ये देखिए और उस इसी के उस साइड में कनक मंदिर।
आपको लेके चलते हैं हनुमानगढ़ी अंदर में, श्री हनुमानगढ़ी। ये देखिए तो दोस्तों अब हम चल रहे हैं सरयू नदी की ओर। तो सरयू नदी की कुछ खास जानकारी दे दें कि ये 160 किलोमीटर में फैला हुआ है सरयू नदी, और ये श्री राम जी के जन्म स्थान अयोध्या से होकर बहने के कारण ये हिंदू धर्म को काफ़ी ज़्यादा विशेष महत्व देता है। और ये बागेश्वर जिले के उत्तरी भाग से नंदाकोट पर्वत के पास से सरमुल एक जगह है, वहीं से ये निकलती है सरयू नदी। और ये सरयू नदी सिर्फ और सिर्फ अयोध्या में फेमस है, मतलब सरयू नदी अयोध्या में जानी जाती है। बाकी इसके बाद जब अयोध्या से निकलती है तो इसको सरयू नदी को घाघरा के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे कुछ समय पहले जो कि मऊ जनपद स्थित सरयू नदी से चांदी का एक शिवलिंग मिला था। और इसकी और खास जानकारी दे दें तो ये अयोध्या के नाम को जो है साकेत के नाम से भी हम जानते हैं अयोध्या में। और सरयू का नाम बता दें, सरयू का अर्थ क्या होता है? तो सरयू का अर्थ होता है हवा।